brain. Wow brain. Wow, क्या खूबसूरत मॉल है। पहले जाएंगे आर्केड, मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है। हाँ, पर इस बार तुम नहीं जीत सकते। तुम सारे अपना गेवा खेलते रहो, पर मैं एक मिशन पर आया हूँ। मिशन? मुझे एक नई हैंडबैग लेनी है जी। क्या आएगी इसमें पाकिटा का महीना। यहाँ आने का आइडिया अच्छा था दोस्तों, वैसे भी हमें शॉपिंग की सख्त जरूरत थी। तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी इलाय, यहाँ सब कुछ है। हाँ, सब कुछ तो है सिवाय लोगों के। हम यहाँ थोड़े जल्दी आए, शायद ये बंद हो गया है। लगता है हमें जवाब मिल गया, यहाँ ज़ॉम्बीज़ हैं। डरू रखो जी, मैं सबको सुरक्षित जगह पे ले जाएंगा। हर साल हैलोवीन में मेरे पापा और मैं हमेशा बैक टू बैक ज़ॉम्बी मूवी देखा करते थे, इसलिए मुझे इनके बारे में सब पता है। और ज़ॉम्बी से बचने का पहला रूल है, उनसे डरना मत। और दूसरा रूल क्या है? ज़ॉम्बीज डरावने होते हैं, पर स्लो भी और थोड़े खतरनाक भी। लेकिन अगर हम चुपचाप बाहर निकले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लो? ये ज़ॉम्बीज मुझे स्लो नहीं, फास्ट लग रहे हैं इलाय। सुनो, रूल नंबर 3 है, भागो यहाँ से। ये ज़ॉम्बी वैसे नहीं है जैसे मैंने फिल्मों में देखे थे। रूल नंबर 4, छिपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो। ये बिल्कुल उस साइंस मूवी जिंदा ज़ॉम्बीज़ मेरा दिमाग खा गया जैसा है, और उस एनिमेशन मूवी की तरह जिसका नाम था एक रात ज़ॉम्बीज़ के साथ। होश में आओ, पहले ज़ॉम्बीज़, दूसरा ज़ॉम्बीज़। अभी इससे दर्द होता है। वहां से बाहर निकलो। हमें लगा तुम एक ज़ॉम्बी हो। मैं हूँ मिलोर्ड मिलफोर्ड, एक सिक्योरिटी स्लिंगर। डराने के लिए माफी चाहता हूँ, जिस तरह से तुमने आवाज की, वेल, मैं तो खुद की रक्षा कर रहा था। तो तुम इस मॉल के पुलिस हो? यहाँ के रहने वाले हमें इसी नाम से बुलाते हैं, जरूर। लेकिन एक सिक्योरिटी स्लिंगर हमेशा दूसरों की रक्षा करता है, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो एक मॉल हो या सिनेमा घर हो, चाहे वो प्लेग्राउंड या स्विमिंग पूल। मैं भी यही बनने का सपना देखता था। और ऐसे ही सपने देखने से हीरोज पैदा होते हैं मेरे दोस्त। मैं हूँ इलाय शेन और ये है मेरी गैंग, ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रॉन्टो। ये वाला थोड़ा चमकीला है, नहीं, प्रॉन्टो की बाइक मैची होनी चाहिए। शेन गैंग, हाँ, तुम मॉल के इतने अंदर आ गए हो तो जरूर तुम बहादुर हो गए। फिलहाल तो हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुश्किल है, ज़ॉम्बीज़ ने बाहर जाने के रास्ते को घेरा है। करीब 12 घंटे पहले से लोग ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं, वो तभी से लोगों को खींच कर ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत सारे थे। मैंने सिक्योरिटी स्लिंगर नेटवर्क से स्पेशल फोर्स को भी बुलाया है। सोचा जब तक वो आ नहीं जाते, क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं। तुम्हारा नेटवर्क भी है, कमाल है। अगर हम यहीं रुके रहे तो ज़ॉम्बीज़ हमें ढूंढकर हमें भी उनके जैसा बना देंगे। सही कहा ना मैंने? भले ही तुम जैसे लोग मॉल पुलिस पर यकीन ना करते हो, मगर मेरे साथ ही मेरी जान बचाने के लिए जरूर आएंगे।
देख लेना। पर तुम मॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, अगर हमारी मदद करोगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं एक साथ। दुश्मन को चकमा देना, मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया, पर हमें सामान की जरूरत पड़ेगी हार्डवेयर की दुकान से। पर हमारे पास पहले से ही हथियार है। नहीं, मिलेट सही कह रहा है, हमें एक लंबा गार्डन पाइप चाहिए होगा, एक बड़ा ट्यूब, 3 टॉर्च, 1 हथौड़ा और कुछ मटन के टुकड़े। पर किस लिए? पता नहीं, फिल्मों में इनका इस्तेमाल करने से पहले हीरो ज़ॉम्बी बन जाता है, पर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इलिया जी, मुझे बिल्कुल ऐसी चाइल्ड बैग चाहिए था। इलाई शेन, तुम आगे रहना, दूसरी मंजिल पर। अपनी दाई तरफ के एस्केलेटर को बंद करो। मिलर मिलफोर्ड उनका ध्यान अपनी ओर खींचेगा और तुम सब भाग जाना। पर रास्ता साफ है, हमें एक साथ चलना चाहिए। या वो चाहते हैं कि हम यही सोचे। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ए ज़ॉम्बीज, आज का खास खाना मिलर मिलफोर्ड का ताजा गोश्त, आ जाओ मुझे खा लो। तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। ये कौन बता सकता था कि एक मामूली सा सिक्योरिटी स्लिंगर मेरी तरह एक महान हीरो बन जाएगा। बहुत ही बहादुर था। वैसे उसने क्या कहा था, हार्डवेयर की दुकान लेफ्ट में है कि राइट में? आप भाई अभी बताता हूँ ना जी, अगर हम एक से हैं तो कैंडल की दुकान होंगी, नहीं नहीं नहीं, वो जूते की दुकान होंगी यहाँ पे, और नहीं लेफ्ट में होंगी, नहीं राइट में होंगी। बिल्कुल ऐसी बैग तुझे चाहिए थी ना। वैसे अच्छी खबर ये है कि ज़ॉम्बी मूवी के इस मोड पर टीम के 2 मेंबर्स कम हो गए थे, तो हम बगैर मिलर्ड के भी यहाँ से निकल सकते हैं। बढ़िया, पर क्या किसी ने प्रांटो को देखा है? देखो जी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना, अब हम लोग सौदा कर सकते हैं। पहले मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो। बचाओ जी, ये कौन है जी, कौन है तुम लोग, मुझे बचाने की जगह फंसा दिया ना। मेरे वफादार नौकर मिस्टर सैटरडे की सेवा करना चाहते हैं, और मिस्टर सैटरडे को चाहिए और तकिए और ज्यादा बड़े स्क्रीन्स और स्नैक्स, पर सबसे ज्यादा चाहिए गुलाब। ठीक है, कोई नहीं डरेगा, हमें बस एक अच्छा और पक्का प्लान बनाना होगा जिससे हम प्रॉन्टो को बचाकर यहाँ से बाहर निकाल सके। मैं ज़ॉम्बी का शिकार करूंगा। उस मूवी में हीरो अपने दोस्त को बचाने के लिए सीलिंग से लटकता है और फिर वो बचता नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी का पोस्टमार्टम इस मूवी में हीरो एयर कंडीशन के रास्ते जाता है और फिर वो भी नहीं बचता। इलाई, मूवीज को भूल जाओ, ये असली दुनिया है। एक तो प्रॉन्टो खो गया है और ये भी पता लगाना है कि यहाँ चल क्या रहा है। जल्दी दरवाजा खोलो, वो प्रॉन्टो है। ये तो हमें देख भी नहीं पा रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक भूखा ज़ॉम्बी दिमाग खाने की कोशिश करता है, लेकिन देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्रॉन्टो ज़ॉम्बी में बदल गया है। मुझे लगता है शायद हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए हमारा यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। तुम्हें नहीं लगता बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी हमें देख लेंगे? देखेंगे तब जब दिखेंगे। हाँ,
ये ज़ॉम्बीज कुछ अलग ही लग रहे हैं, बिल्कुल प्रॉन्टो की तरह। हम शायद इनकी भी मदद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। और हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो उन्हें काटने और अपना दिमाग खाने मत देना। दिमाग मत खाने देना, समझ गई। दोस्तों, कॉर्ड, तुम्हारा मास्क। अब ये करना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको, इन ज़ॉम्बीज को दिमाग नहीं खाना है, इन्हें बस बड़े स्क्रीन चाहिए। ये तो सिर्फ लूट रहे हैं, असली ज़ॉम्बीज इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते। और ये सब तुम्हें ज़ॉम्बी मूवी देखने से पता चला है। और अगर मैंने अपने पापा के साथ वो मूवीज नहीं देखी होती तो आज हम इससे भी बुरी हालत में होते। सिल्विया, उन्हें पैसे बिल्कुल मत देना। पर क्यों हावर, ये कुछ मांग नहीं रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये असल में क्या है, ये कोई फ्लैश मॉब्स नहीं है और ये बच्चे नाटक कर रहे हैं। देखो हावर, ये लोग फ्रेंडली है और तुम भी तो बहुत अच्छे हो। हावर, मेरी एक तस्वीर लो। तुम उन्हें सिर्फ चढ़ा रही हो सिल्विया। मेरे कैमरा को हाथ मत लगाओ। हावर, उन्हें डांटो मत। यहाँ नहीं, हम उनका पीछा करेंगे, शायद हमें जवाब मिल जाए। ओह, लगता है शो शुरू होने वाला था, हम वक्त पर आ गए। वाह वाह, जादूगर का शो है, मिमिक्री से भी बेकार। हो, पर तुमने ऐसा करतब पहले कभी नहीं देखा होगा, मुझ पर विश्वास करो। इस लक पर अपनी आंखें टिकाए रखना। ये तो एक हिप्नोग्रिफ है। हिप्नोसिस लग, जिसे कूल बना दिया गया है, अब वो क्रिप्टोग्रिफ बन गया है। तो इसका मतलब इसी से वो सबके दिमाग पर काबू पा रहा है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। दरअसल ये असल में ज़ॉम्बीज हैं ही नहीं, इन्हें ज़ॉम्बीज बनाया गया है, इनमें बहुत फर्क है। अब जल्दी से मुझे कुछ स्नैक्स और कुछ पीने के लिए ला कर दो। असर को खत्म करना है तो हमें उस लक को नॉर्मल करना होगा। डॉक, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे बीच कोई बागी भी है? तो लगता है मुझे उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इलाई, मेरे दो सवालों का जवाब दो, कौन और ये किस लिए? अगले कुछ सेकंड्स के लिए तुम मुझे बुला सकते हो मिस्टर सैटरडे। और कोई अपने लिए बिजनेस क्यों करता है? बेशक प्रॉफिट और मजे के लिए। प्रॉफिट तो तुमने देख ही लिया है, और मजा कौन नहीं चाहता कि लोग उसके हर ऑर्डर को माने और उसे जो चाहे ला कर दे। ओह, इसे याद आया, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊं, कुछ कहना चाहते हो? मिलर्ड मिलफोर्ड के मॉल में हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिलर्ड? हाँ। तुम्हारे इन लाल टपकाने वाले बदबूदार ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाने आ गया है मिलर्ड मिलफोर्ड, सिक्योरिटी स्लिंगा। ठीक है, क्या अब हम जाएं? अभी नहीं, इस मिस्टर सैटरडे ने जो दहशत फैलाई है उसे हमें अभी के अभी खत्म करना होगा। सही कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो हमसे कहीं ज्यादा है, क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें। क-
क्योंकि एक पूरी स्लग टेरा एक्सप्रेस भरकर शेरी एकर्स से लोग यहाँ किसी भी वक्त उनकी वीकली शॉपिंग करने आएंगे। क्या तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखोगे जब कोई दादी माँ को ज़ॉम्बी बना देगा? बिल्कुल नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा उनका हाल क्या होने वाला है। मुझे बस एक और बात कहनी है, अगर तुम मॉल को बचाने में मेरा साथ दे रहे हो तो हमें शपथ लेनी होगी। अपना दायां हाथ आगे करो। ये सच में हो रहा है? मैं शपथ लेता हूँ इस मॉल को जो नुकसान पहुँचाएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो चोर हो, लुटेरे हो या कोई गंदे मुंह वाले ज़ॉम्बीज हो। हम भी शपथ ले रहे हैं। माउंट फूड कोर्ट पर हमले की तैयारी करो। रुको, हम प्रॉन्टो को इस हालत में नहीं ले जा सकते। ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए है दोस्त। तो अब चलो उन्हें दिखा दें। उन्हें मेरे पास ले आओ, अपने घुटनों पर। याद रहे, ये बेगुनाह लोग हैं, इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। घबराओ नहीं, मैं इन पर एक उंगली तक नहीं उठाऊंगा। अपना नाम नहीं बताया बच्चे। शेन, ईलाय शेन, जेल में जाने के लिए तैयार हो? एक शेन, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। तुम्हारे हुनर को मैं धंधे में इस्तेमाल कर सकता हूँ, नौकर बनाकर नहीं पर एक पार्टनर बनाकर। हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तुमने अपने स्लग को गूल बनाया है, इसका मतलब तुम डॉक्टर ब्लैक के साथी हो। गलत, सैटरडे किसी के लिए काम नहीं करता। ब्लैक ने भले ही मुझे घूस बनाने की तरकीब सिखाई है पर मैं खुद के अलावा और किसी के लिए काम नहीं करता। अच्छा, अगर तुम्हें और गुल चाहिए होंगे तब क्या करोगे? तुम वापस ब्लैक के पास जाओगे और उसे सब कुछ दे दोगे। तुम भी उसके नौकर हो जैसे ये लोग तुम्हारे हैं। अरे नहीं, अगर हमने उस फ्रायर को बंद नहीं किया तो उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है उससे ब्लास्ट होगा और जो गर्म ग्रीस निकलेगी उससे आधा स्लग टेरा बर्बाद होगा। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बंद करता हूँ। अगर मैं वापस नहीं आया तो इस जंग को खत्म करो जो मैंने शुरू की है। जरूर। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, याद रखना। हाँ हाँ याद है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं आ रहा हूँ। क्या सच में? हम सब में एक हीरो होता है, तुम कर सकती हो। मिलर्ड मिलफोर्ड को तुम पर विश्वास है। वो बोलता बहुत है, मुझे ही बंद करना होगा। ठीक है जूल्स, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। उसे पकड़ के रखो मेरे गुलामों, वक्त हो गया है कि तुम भी मेरे गुलाम बन जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते ईलाय शेन, तुम मेरे गुलाम बनकर ही रहोगे। तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा।
क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे अपने काबू में कर लोगे? अब तुमने मुझ में जीतने की और भूख बढ़ा दी है। तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम ना कभी जीते थे ना कभी जीतोगे। ये मैं भेड़ियों में कैसे आ गया? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जी। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे। ये क्या शो पहले ही खत्म हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा हावर्ड? सम्मोहक नाटक सल्वी जादूगर से भी बेकार। मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, पर सैटरडे भाग गया। जो लड़ता है और भागता है वो दोबारा लड़ने जरूर आता है। तुम्हारे लिए बुरी खबर है सैटरडे, मैं तुम्हें किसी ऐसी वैसी जेल में नहीं भेजने वाला, तुम जाने वाले हो मॉल जेल में। तुमने जो मदद की उसके बदले लाइफ टाइम फ्री वीडियो गेम खेल सकती हो। वाह, ये तो तुम्हारी शान के खिलाफ है, जानता हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि तुम ये इनाम कभी नहीं लोगे, तुम सब हीरो हो और यही तुम्हारा असली इनाम है। सुना तुमने, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हमें आराम करने मिल सकता है। सही कहा, चलो घर चलें। ट्रिक्सी, तुम राइट में जाओ। प्रॉन्टो, कॉर्ड, तुम मेरे साथ आओ। जी। मेरे लिए रुको जी। अब तुम फंस चुके हो, हार मान लो। पकड़ो उसे। पहाड़ जैसे खड़े की वो, थोड़ा हिलो ना। प्रॉन्टो, तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो? वैसे ये जगह साफ सुथरी नहीं है जी, लेकिन यहाँ का सूप बहुत ही टेस्टी है। और एक बात भूल गया, अंदर गए तो बाहर नहीं आ सकते। यही तो मैं सुनना चाहता था। सब लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाकर उसे बाहर आने पर मजबूर करता हूँ। हो सकता है कि वो सूप पी रहे हो ना। भागो भागो भागो, भागो, भागो। कोई प्लान है इलाय? वो ही सोच रहा हूँ। भागो जी। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अरे ये भाई बाप पतले नहीं हो सकते थे क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? अब शांति हुई। देखो भाई बाप मुझसे मुकाबला करेंगे तो यही चंजाम होगा। Yeah.
शुक्रिया। कौन हो तुम? मेरा नाम ट्विस्ट है। मैं हूँ इलाय शेन। वो तुम्हारे ऊपर है इलाय। ओ, एक स्लग से दो शिकार, अच्छा है। और मुझे पता है तुम कौन हो। एक स्लग से तीन शिकार। कौन गिन रहा है यहाँ पर? वह कहाँ चले गए? यही मौका है, हमला करो। वो है कौन? ब्लैक का खास है, इसी गुफा में रहता है। बहुत खतरनाक है ये, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। संभल कर, इसका कोई अंत नहीं है। निकलने का वही एक रास्ता था। कोई दूसरा आइडिया है? हाँ, उसे कंफ्यूज करना होगा लोकी। हे! लगता है उसका अंत है। क्या ये एक थगलेट स्लग है? हाँ, इनके बारे में सुना है पर कभी देखा नहीं था। हाँ, ये मेरा बेस्ट स्लग है, सही कहा ना लोकी? मुझे तुम्हारे स्लग का नाम पसंद आया। जहाँ तक मेरा मानना है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मतलब मैं पहले भी ब्लैक के आदमियों के साथ निपट चुका हूँ। वो लोग वापस आएंगे, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ छिप सकते हैं, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। क्या तुम्हारे साथ आना जरूरी है? बिल्कुल है, अब चलो मेरे साथ आओ। माफ करना, घर साफ नहीं है। मैं यहीं रहता हूँ क्योंकि मेरी हवेली का रिनोवेशन हो रहा है। ये जगह तो कमाल की है, यहाँ से कमाल का नजारा दिखता है, हाई ग्राउंड एडवांटेज भी है। लगता है तुमने जरूर इस घर में जाल भी बिछाए होंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। तुम नहीं करते तो तुम जिसके पीछे भाग रहे थे उसके बारे में कुछ बताओगे? वो ब्लैक का खास आदमी था, हमें एक मिशन पूरा करने के लिए उसकी जरूरत थी। इलाय, हम इससे अभी अभी मिले हैं। हाँ, और इसने अपनी जान दाव पर लगा दी हम सबकी जान बचाने के लिए, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर अगर ब्लैक को पता चल गया। मैं जानता हूँ तुमसे अभी अभी मिला हूँ, पर तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो? हम गूल के गोदाम का नक्शा बना रहे हैं, ब्लैक ने पूरे स्लग तेरा में फैला कर रखे हैं। हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। हमने सोचा अगर हम कैद किए हुए सारे गूल्स को आजाद कर देंगे तो मेरा हीलर स्लग डॉक उन्हें ठीक कर देगा, इस तरह हम ब्लैक के सारे अड्डों को तबाह कर देंगे। प्रॉब्लम बस यही है कि हमें अब तक एक भी नहीं मिला है। हमने नक्शा तो बना लिया है पर जगह पता नहीं चली है। हाँ, सोचा था उस खास आदमी से पता लगा लेंगे पर कामयाब नहीं हो पाए। फिर तो अच्छा है कि तुम मुझे मिले, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। ओह हाँ, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यहाँ ज्यादा पहरेदार भी नहीं है, हम जल्द से जल्द अंदर जाकर अपना काम पूरा करके आएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है हम सब। तो क्या कहते हो, डॉक्टर ब्लैक को परेशान करने के लिए तैयार हो? मजा आएगा, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, हम प्लान बनाकर कल फिर आएंगे, ब्लैक को पता भी नहीं चलेगा। चलो जी करते हैं। मुझे कहना पड़ेगा, वाकई तुम्हारा घर मेरे घर से काफी अच्छा है। हाँ, मेरे पापा ने इस हाइडआउट को खुद बनाया था, इससे याद आया। खाना तैयार है। ये बिल्कुल मेरी दादी माँ की तरह बनाया है मैंने, इससे शांति मिलेगी। तुड़ पड़ो जी। तुम भूल गए प्रॉन्टो, मेहमान पहले खाते हैं। प्रॉन्टो को सब पता है ट्रिक्सी, अगर बाहर निकलोगी तब पता चलेगा, हर इंसान को खाना नसीब नहीं होता। बिल्कुल सही, पहले खाने के बारे में मत सोचो, खाना मिला ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। दुश्मिया, इसे खा के देखिए।
वाह, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। तुम रोज यही खाते हो? मेरे पापा हमेशा कहते थे किसी बड़े मिशन पर जाने से पहले शेन गैंग हमेशा बढ़िया खाना खाते, और अब इस परंपरा को निभाने का वक्त आ गया है। ऐसा मैं भी पहली बार खा रहा हूँ। ये क्या किया जी? हाँ, तुम मेरे बनाए हाथों से इस लजीज खाने को स्लग्स को खिला रहे हो। एक हैप्पी स्लग यानी एक हेल्दी स्लग, और एक हेल्दी स्लग लड़ाई जीतता है। ये वारा लोकी, लगता है तुम इन स्लग्स को मेरे जितना ही प्यार करते हो। मुझे नफरत होती है ब्लैक से जब इन्हें घूल ट्विस्ट करता है। हम उसे बदलेंगे। बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हारा नाम ट्विस्ट कैसे पड़ा? मैं दिखा सकता हूँ। वैसे तुम मुझसे साइज में बड़े हो, पर क्या फर्क पड़ता है, इससे तुम मुझे हरा नहीं सकते। लगता है तुमने केव ट्रोल की रेसलिंग मूव चैनल लॉक के बारे में नहीं सुना है। आ जाओ। क्या कैसे? बढ़िया मूव थी ट्विस्ट। ये तुम्हें खुश करने के लिए काफी होंगे, पर शायद तुम नहीं जानते कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। तुम कोशिश करना चाहोगे? आज उपास से कल करेंगे। क्या तुम्हारा परिवार है ट्विस्ट? ये एक लंबी कहानी है, और इसके आखिर में मुझे पता नहीं उन्हें क्या हुआ। लोकी और बाकी स्लग्स ही अब मेरा परिवार है। हम सब ने किसी न किसी को खोया है ट्विस्ट, और यही हमें एक परिवार बनाता है। तुम उसी वक्त आकर हमारे साथ रह सकते हो। और वक्त से याद आया, मिशन का वक्त हो गया है। चेकिंग सही वक्त पर है, ये बहुत आसान होने वाला है। तो तैयार हो लोकी? ये सच में कमाल हो गया। गोल! एक बाहर आ गया होगा, पकड़ो उसे। हमें और गार्ड्स को बुलाना चाहिए। कितने डरपोक हो तुम, नौकरी पर तुम्हें किसने रखा? हालात काबू में नहीं है, उसे छोड़ना मत। मैंने कहा था उसे जाने मत देना। सॉरी, मैं डर गया था। वीडियो हैकर लगा दिया है, लोकी मेरी तरह ही शातिर है। अब जो वो देख सकते हैं वो हम भी देख सकते हैं। बढ़िया। अच्छा है कि ब्लैक के सारे अड्डे एक ही जैसे बने हैं, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पर पता नहीं क्या। मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, तुम्हें क्या लगता है इलाय? मुझे भी सब ठीक लग रहा है, पर सावधान रहना दोस्तों, कॉर्ड कभी गलत नहीं होता। हाँ, शायद कुछ भी ना हो। लोकी पहुंच गया है, चलो चले। स्लग रनर टू बनहेड, हम तैयार हैं। बनहेड, मुझे तुम ईगल आई बुला सकते थे। दरवाजे पर कोई नहीं है, पर दरवाजे के अंदर चार गार्ड्स हैं। जाओ। क्या तुमने कल रात को स्लग बॉल गेम देखा? मुझे मास्टर की मिल गई है, अब खेल शुरू। बहुत अच्छे, मैं मेकास को तैयार रखती हूँ। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, ये कपड़े तुम्हें फिट कैसे हुए? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। यही है वो, ठीक वैसा ही जैसे नक्शे में था। संभाल कर, तुम्हारी दाईं तरफ ठीक से देखना।
बहुत बढ़िया लोकी, तुम असली रूप में आ सकते हो। मुझे अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहां से बाहर निकले। काम लगभग पूरा हो गया है, जाने की तैयारी करो। आखिरकार ये कपड़े मुझे बहुत छुप रहे थे ना जी, और इसकी बदबू बिल्कुल ट्रोल के गुफा जैसी आई। मैं सुन रहा हूँ। तुम इधर ही छो गया। वो जरूर ट्रिक्सी होगी हमारे मेकास के साथ, बिल्कुल सही वक्त पर। ओ, क्या हुआ? वहाँ पर ट्रिक्सी नहीं है, वो है डियाब्लोस नाचो। नाचो, तुमने तो कहा था कि वो यहाँ से मीलों दूर है। मेरे जासूसों ने मुझे यही कहा था। जरूर इस प्लान में कुछ गड़बड़ है। हम यहाँ से लड़े बगैर जाएंगे, लेकिन क्यों एलाय? चाहो तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढ सकता हूँ जी। तुमने नक्शा देखा है, जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब द्वंद्व युद्ध। बिल्कुल सही कहा। मेरे इशारे का इंतजार करना, फिर जमकर हमला करना, और बिना घायल हुए इन गुल्स को सुरक्षित यहाँ से ले जाना। ठीक है ट्रिक्सी, हम हमला कर रहे हैं। उन्हें खत्म कर दो। ये कवर फायर दो जी। अरे चलो भैया, किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छा निशाना था ट्विस्ट, तुम्हारा भी। हमें जितना बताया गया था यहाँ उससे कहीं ज्यादा गार्ड्स हैं। एक लाख से दो शिकार, पर गेम कौन रहा है? कहाँ हो तुम? मेरा बेल्ट, अब सब तुम पर है बैंगो। अब मजा आएगा। कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम्हारे स्लग्स खत्म हो गए। क्या बिना हथियार के लड़ सकते हो ट्विस्ट? हाँ, इस जोकर को ऐसा सबक सिखाएंगे जो याद रखेगा। चलो देखते हैं कौन जिंदा बचता है। जाओ इलाई। ये क्या?
पिंजरा टूट गया है। अब हम ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। हम और नहीं लड़ सकते। अगर एक भी निशाना इस पिंजरे पर लगा तो ये सारे स्लग्स यहाँ आजाद घूमने लगेंगे। मुझे खुफिया रास्ता पता है जी, मैं यही काम करता हूँ ना। मैं ही दिखाता हूँ यहाँ से निकलने का रास्ता। देखा ना तुमने, हम लोग सुरक्षित हैं और सारे घूम आजाद हो गए। मेरी तारीफ बाद में कर लेना। हम सारे गुल्स को एक साथ पकड़ नहीं सकते। मेरे पास इसका इलाज है लोकी, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। क्या बात है लोकी। ठीक है डॉक, अब तुम्हारी बारी है। शायद इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बढ़िया काम किया डॉक, अब आराम कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। ट्विस्ट, तुमने और लोकी ने तो आज कमाल ही कर दिया। स्लग्स को मदद चाहिए थी और मैंने की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है। तुम हमारी टीम में आ जाओ, आज तुमने दिखा दिया तुम शेन गैंग में हो, हम एक परिवार हैं। मतलब हम कल की तरह डिनर साथ में करेंगे तो मुझे मंजूर है। सच कहो तो थैंक्स, मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मेरे परिवार में कौन कौन थे सिवाय मेरे स्लग्स के। हमें तुम्हें अपनी टीम में पाकर खुशी होगी, और वैसे भी शेन गैंग को जितनी भी मदद मिले उतना ही अच्छा है। तुमने इस बार क्या प्लान किया है? मुझे लगता है कि इन गूल्स के अड्डों को उड़ाकर डॉक्टर ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके पास एक भी गूल ना बचे। हमें सबसे पहले उस चीज को ठिकाने लगाना होगा जिससे गूल बनते हैं। तुमने काले पानी के बारे में कुछ सुना है ट्विस्ट? मैंने काफी कुछ सुना है। अगर तुम उसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मुझे अपने दोस्त से इस बारे में बात करनी होगी। जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, चलो चले। काश मैं तुम्हें वहाँ ले जा पाता, लेकिन वो अजनबियों पे विश्वास नहीं करता, मुझे अकेले ही जाना होगा। समझ गया, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खाली हाथ लौटने की? आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत से कीमती गोल्स खो दिए। मैंने भी। और तुम मुझसे यहाँ निवेदन करने आए हो? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? क्योंकि वो मुझ पर यकीन करते हैं। हाँ, पर सवाल ये है कि क्या मैं करता हूँ?